नमस्कार, यस डाटा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। यकीनन इंसान अपने जज्बे और अपनी हिम्मत से तमाम मंजिलें हासिल करता है। वो अपने लिए रास्ते बनाता है और उन्हीं रास्तों पर चलते हुए बेहद कम उम्र में तरक्की की बुलंदी हासिल कर लेता है। और अगर वो इंसान पत्रकारिता से जुड़ा हो तो यकीनन वो समाज का आईना होता है और समाज को एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहाँ पर विकास होता है, तरक्की होती है। इसी बात को लेकर हम नवाबगंज से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर एक गांव में मौजूद हैं और इस पूरे इलाके के ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार जी हमारे साथ भी हैं। हम उनसे भी रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे। मैं सबसे पहले उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। एक लंबा कैरियर उन्होंने पत्रकारिता में भी गुजारा है और उसके बाद वो समाज सेवा में आते हैं। 2016 में 18 मार्च को वो ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं और उसके बाद अपनी तरक्की और अपनी बुलंदी और अपनी सोच से पूरे समाज और पूरी बरेली मंडल में अपना नाम कमाते रहते हैं। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। कुछ काम भले ही उनके अधूरे रह गए लेकिन ऐसी ही वो उम्मीद लगाते हैं कि आगे वो और तमाम चीज़ें करते रहेंगे। यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि 18 मार्च को 2021 में उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वो तमाम मंजिलें तय करेंगे। लेकिन जो हमारी बातचीत हुई अभी, हम उनसे भी मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे और तमाम चीज़ों को बताएंगे। सबसे पहले मैं उनका घर दिखाना चाहता हूँ। ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, गाँव में रहते हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान की जो आत्मा है, वो गाँव में बसती है। घर बड़ा है और विनोद कुमार जी का दिल उससे भी बड़ा है क्योंकि उनकी शख्सियत में तमाम चीज़ें शामिल हैं। वो साहब की पसंद इंसान भी हैं, लोगों से मिलना भी जानते हैं, लोगों को समझाना भी जानते हैं और समाज का हर जो विषय है वो बेहतर और गहराई से समझते हैं क्योंकि पत्रकारिता से भी जुड़े हैं। हम उन्हीं से मुखातिब होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं दिवाली की और आज भैया दूज है। सबसे पहले तो मैं आपके लिए ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप दीपावली और भैया दूज के शुभ अवसर पर मुझे आपके दर्शन मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी जहाँ तक ये वीडियो और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी उस सब के लिए मैं दीपावली और भैया दूज और गंगा स्नान की बधाई देना चाहता हूँ। जी विनोद भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक सरकार का एक अपनी योजनाएं है, उसको हर तबके तक, हर इंसान तक पहुँचाने का काम सिस्टम में बैठे हुए लोग करते हैं, आप जैसे ज़िम्मेदार लोग करते हैं। तो क्या पत्रकारिता से जुड़े हुए, आपने कुल मिलाकर जो मैं अगर आपका 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने को है, किस तरह से लोगों के बीच अपनी जो तमाम योजनाएं जो सरकार की थी उन लोगों तक पहुँचाएँ? देखिए, ब्लॉक सीधे सीधे विकास का एक केंद्र है और नवाबगंज बरेली का सबसे बड़ा ब्लॉक है। इसमें 107 ग्राम पंचायतें हैं। कोई भी योजना सरकार से आती है वो सीधे सीधे सचिव और बीडीओ और हम सब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से गांव तक पहुंचती है। हमारी कोशिश रहती है कि हर वो गरीब तबका उन योजनाओं का लाभ ले और अपने जो आर्थिक स्थिति है और अपनी जितनी भी योजनाएँ हैं वो गरीबों के लिए हैं, वो हर योजना का लाभ लें, ऐसा मैं चाहता हूँ। जी जी, मैंने एक बड़ा ख़ास बात देखी नवाबगंज में, क्योंकि मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। मैंने देखा कि बड़ी संख्या में आवास योजना घर घर तक पहुँची, जो गरीब तबका है उसको मिलना आशियाना बहुत बड़ा होता है किसी गरीब के लिए। आप जैसे ज़िम्मेदार लोगों ने हर इंसान तक पहुँचाने की कोशिश की, काफ़ी हद तक कामयाब हुई। कुछ ऐसी योजनाएं जो अभी पूरी तरह से मुकम्मल तस्वीर के रूप में नहीं सामने आई और क्योंकि कार्यकाल आपका ख़त्म होने को, अगर भविष्य में आपको मौका मिलता है जो आप पूरा करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर मैं आवास की बात करूं तो इंसान की जीवन में 2-3 चीज़ें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हमारे यहाँ से आवास निकलते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है, अपने अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से हम सर्वे कराते हैं कि हर वो गरीब को आवास मिले जिसको उसकी आवश्यकता है। अगर कहीं गलत चयन भी है तो हम उस पर कार्रवाई करने की भी कोशिश करते हैं, किसी गरीब का हक ना छीने इसके लिए हम बहुत सतर्क रहते हैं। रही बात और योजनाओं की, शौचालय बहुत पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी की ये बहुत खूबसूरत पहल रही। उन्होंने सोचा कि जब तक भारत स्वच्छ नहीं होगा तब तक भारत स्वस्थ नहीं होगा। उन्होंने इस दृष्टि को अपनी जो है उसमें रखते हुए उन्होंने बहुत सारे शौचालय बनाए। हमारे नवाबगंज में भी शौचालय बने
और उसके साथ साथ उन्होंने अब सामुदायिक शौचालय का भी सामुदायिक शौचालय गांव-गांव बनाने का प्रयास किया, इसलिए कि अगर जो लोग शौचालय से वंचित रहे हैं तो वो सामुदायिक शौचालय में आएँ और वहाँ शौच करें, बाहर खुले में शौच न करें। और इसके साथ साथ उस शौचालय पर एक 6,000 रुपये महीने का एक नौकरी भी एक व्यक्ति के लिए दी गई है जो गरीब सबके से संबंध रखता है। और भी योजनाएं हैं, मैं अगर आप मुझसे पूछें कि आप क्या कराना बाकी रह गया है, तो मैं समझता हूं कि मैं कोशिश मेरी ये रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं कुछ करा पाऊँ,